हेलो दोस्तों, ये तो इस 21वीं सदी में जापान एक आधुनिक और काफ़ी एडवांस देश है, परंतु जापान के कई ऐसे इलाके या गांव हैं जहां के किस्से सुनकर आज भी लोग डर जाते हैं। इनमें से कई घटना आज भी होने के बहुत से सबूत मिले हैं। एक ऐसा ही किस्सा है काशिमा रेको नाम की लड़की का। काशिमा रेको एक स्कूल गर्ल थी जिसकी उम्र तकरीबन 16 से 17 साल की रही होगी। वह जापान के एक गांव की रहने वाली थी और उसका स्कूल गांव से थोड़ा दूर था। गांव से स्कूल जाने के रास्ते में उसे हमेशा एक रेलवे लाइन क्रॉस करनी पड़ती थी। काशिमा रेको अपनी आम जिंदगी में खुशहाल थी, पर उसे स्कूल में कोई परेशानी थी जिस कारण वो थोड़ी सी डरी डरी व सहमी सी रहती थी। स्कूल की कुछ लड़कियां उसे बुली करती थी, उसका मजाक उड़ाती थी, उसे परेशान करती थी, हमेशा उसके साथ रैगिंग करती थी। पर काशिमा रेको को इससे फर्क स्कूल में होने तक ही पड़ता था, पर जब वो घर जाती तो नॉर्मल हो जाती। अपनी जिंदगी के लिए उसने बहुत से ख्वाब देखे थे और कुछ बनना चाहती थी। एक बार स्कूल में उन्हीं लड़कियों के द्वारा परेशान किए जाने के कारण उसे घर जाने में काफ़ी देर हो गई और तब तक शाम ढल चुकी थी। ये देख काशिमा रेको जल्दी जल्दी चलने लगी और तब वो लड़कियां भी उसके पीछे पीछे आने लगी। जब काशिमा रेको रेलवे लाइन के करीब पहुंची, तब उन्होंने फिर से उसे परेशान किया और उसके साथ मस्ती करने लगी। बात अब हाथापाई तक आ चुकी थी और इसी हाथापाई के दौरान उन लड़कियों के द्वारा काशिमा रेको को धक्का लगा, जिसके कारण वो रेलवे ट्रैक पर गिरी। इसी दौरान एक तेज ट्रेन आई जिससे काशिमा रेको का एक्सीडेंट हो गया और उसका शरीर दो हिस्सों में कट गया। ये सब देखकर वो लड़कियां वहां से भाग गई और काशिमा रेको की उसी जगह पर मौत हो गई। उसका शरीर दो हिस्सों में कट गया था, कमर से ऊपर का भाग और उसकी टांगे तेज ट्रेन की रफ्तार के कारण कटने पर कहीं दूर जाकर गिरी जो नहीं मिल पाई। इस घटना के कारण उस जगह से जुड़े जितने भी गांव थे, हर गांव में शाम के बाद कोहरा छाने पर लोगों ने काशिमा रेको को देखने का दावा किया, जिनमें से कईयों की तो मौत हो चुकी है। इसी तरह से लोगों की मौत की खबरें आसपास के इलाकों में बढ़ने लगी। इसीलिए उस जगह जहां पर यह हादसा हुआ था, उसके पास के सारे गांव वाले शाम होते ही घरों में रहने लगे, घर से बाहर नहीं निकलते थे। जिन्होंने उसे देखा पर किसी तरह बच गए, उनका कहना है उसका शरीर आधा कटा हुआ है और वो दो हाथ और कोनियों के सहारे रेंगती हुई तेज दौड़ती है, आपका पीछा करती है। वो आपसे एक सवाल पूछती है जिसका आपको उसे संतुष्ट कारक जवाब देना होगा, वरना वो आपको भी उसी तरह दो टुकड़ों में काट देगी। उसके पास एक हथियार भी होता है, कोनी के सहारे चलते टेके टेके जैसा आवाज आता है, जिस कारण उसे लोग टेके टेके नाम से याद करने लगे। आपके सामने आने पर वो पूछती है, क्या तुमने मेरी टांगे देखी? आपका जवाब अगर उसे पसंद नहीं आया तो वो अपना श्राप देकर आपको उसी तरह ही दो हिस्सों में काट देगी, और कहा जाता है जिसे वो काटती है अगली बार वो भी उसी की तरह हो जाता है और सुनसान जगहों पर लोगों को परेशान करने लगता है। जिन लोगों ने उसका सामना किया है, उन्होंने उसे जवाब में कहा था केमेन शिनिन मा। ये एक जापानीज फ्रेज है जिसका मतलब होता है मॉस्क डेथ डेविल। ये भी जापान का एक किस्सा है, इसमें कितनी सच्चाई है इसका तो कोई पता नहीं, पर किस्से कहानियां तभी बनते हैं जब बयां करने वाले पर वो गुजरी हो। तो ये था काशिमा रेको का किस्सा। आपको ये किस्सा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे और भी भयावह किस्से हम आपके लिए लाते रहेंगे, इसीलिए आप हमारे चैनल MRN हॉरर टेल्स से जुड़े रहिए। तब तक के लिए गुड बाय।